Welcome to DR TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, adab, hello and a warm welcome to BV Subbarao ji. Bachchi Singh Bisht ji from Uttarakhand. And he is running some organizations there. Bachchi Singh ji ne wahan par Uttarakhand mein hum pani ko kis tarah samraksh kare. Ye ek chal raha hai aur लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा ही नहीं, क्या हो रहा है हिमालयंस के साथ, हिमालयस हमारे वहां पर, हमारे नदियों के साथ क्या हो रहा है, क्यों आज पानी की बचाव आंदोलन चल रहा है पूरा हिमालयस में, क्यों गर्मी बढ़ रही है, क्यों बाढ़ आ रहे हैं, तो ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे आज. लेकिन हम 10 दिन से शो कर रहे हैं, आज तक कोई राजनीतिक दल इसके ऊपर चर्चा नहीं करता, ना बीजेपी, ना राहुल गांधी कांग्रेस, ना कोई वहां पर के दूसरे पार्टीज. क्यों? ममता बनर्जी भी है, वहीं से आती है, ईस्ट इन इंडिया से, वो भी चुपचाप. अगर हिमालयस खत्म हो गए, क्या हम जी पाएंगे? हमारे साथ दुनिया के 50% लोग जी पाएंगे क्या? इसीलिए आज का शो वैनिशिंग रिवर्स, हमारे नदियां गायब हो जा रहे हैं और हमको पहाड़ों और हिमालय वहां के परिजनों को किस तरह रक्षा करना चाहिए, आज का मुद्दा है. हिमालयस के साथ भारत है, भारत के साथ चाइना से लेके हर कोई देश भी उसके साथ जुड़ा हुआ है. इसीलिए वहां से हमको बच्चे सिंह बिष्ट आ चुके हैं. बीवी से भरोसा, आई शो द पीपीटी ऑल्सो काइंडली. नमस्कार जी, बच्ची सिंह जी, आपके जो पीछे खिड़की है उसका पर्दा डाल दीजिए. पर्दा डाला हुआ सर, फिर भी इतना लाइट आ रहा है उसमें तो बहुत है. बच्ची सिंह जी, आपने तो बहुत श्रम कर रहे हैं उत्तराखंड इलाके में, खास करके बच्ची सिंह का कंट्रीब्यूशन है वाटर कंजर्वेशन, वाटर शेड, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन, ये सब कुछ है. और दूसरी बात भी है कि बच्ची सिंह ने जितने भी नदियां सूख रहे हैं इन पहाड़ी इलाकों में, उनके भी बड़े ध्यान से वो अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि 22 के करीब करीब नदियां सूख गए हैं. सो दो बात है बच्ची सिंह जी, कि एक है ये उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके में जो पानी की दिक्कतें हैं और उसके जो कंजर्वेशन है उसका संरक्षण, उस पे आप थोड़ा विश्लेषण कीजिए. फिर उसके बाद आपने पहले ही चेतावनी दी है कि 22 नदियां सूख गए हैं, तो अगर हिमालय में ही नदियां सूख गए तो हिंदुस्तान का क्या हाल है? ये है. तो बच्चू सिंह जी, आपने जो आपके कार्यक्रमों का कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और फोटोज भी आए हैं, ये हम पीछे पीछे इसको दिखाते रहेंगे, मगर आप पहले पहाड़ी इलाके में वाटर कंजर्वेशन किस तरह शुरू हुआ, ये प्रयास क्यों शुरू हुआ? जनमैत्री संगठन के द्वारा आप जो काम कर रहे हैं, हिमालयस जैसे सुब्बाराव जी हमको सिखाते रहते हैं, वहां से पानी आएगा, गंगा से सब कुछ, लेकिन अगर हिमालय में 22 नदियां सूख गए, ये तो हैरानी की बात है. 22 रिवर्स हैव ड्राइड अप, इट्स अ शेम एंड इट्स अ शॉकिंग एंड इट इज नॉट अ लोकसभा इलेक्शन इश्यू. Very surprising. Yes, Bakshish. कहिए, मेरी आवाज आपसे हम सुनना चाहते. सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, पक्का आ रहा है. ठीक है. हिमालय को लेकर के एक समझ बनाने के दौर में हम लोग हैं और हमारे पास एक पीपुल्स कनेक्टिंग फोरम है जिसका नाम जनमैत्री है और ये फोरम स्थानीय लोगों का है और इस फोरम के माध्यम से 2-3 चीजें हम लोगों ने की हैं. एक तो पानी बचाने के लिए जो
गैर परंपरागत तरीका है उसको अपनाया है, जैसे पॉलिथीन टैंक बनाना, नीचे गड्ढा खोदा पहाड़ के भूगोल के हिसाब से और फिर उसमें पानी को संरक्षित करना। दूसरा जो काम है जिसको लेकर के मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि हिमालय की जो जल संरचनाएं हैं वो चाहे कश्मीर की हों, हिमाचल की हों, उत्तराखंड की हों, नेपाल की हों, ये जल संरचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहाड़ का जो ये हिमालय का जो ये स्वरूप है बिल्कुल नया हिमालय है जैसा कि आप जानते हैं, तो इसमें बहुत सारा पानी संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो परंपरा, यहाँ की परंपरा ये रही है कि स्थान स्थान पर जहां पर दो चोटियों के बीच में छोटी सी जगह मिलती है वहां पर एक गड्ढा बना के उसको संरक्षित करते हैं और उस जगह को हम लोग ताल, खाल, पोखर इन शब्दों से कहते हैं। ये वही जल संरचना है जो प्राकृतिक जल स्रोतों को, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड हिमालय में आप हिमालय क्षेत्र में हम लोग सीधे प्रकृति से निकला हुआ पानी पीते हैं और वो छोटी छोटी जो ये जो पोखर हैं ये प्राकृतिक स्रोतों को जीवित करते हैं और इन स्रोतों से निकलने वाला जो बहता हुआ पानी है वो स्थानीय एक छोटी नदी में जाता है और छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है और बड़ी नदियां फिर जा करके वो गंगा और ऐसी बड़ी नदियां नदी बनती है। इस समय जो जिस इन अपने इन 2012 के बाद हमको ये समझ में आया कि हमारे इस क्षेत्र में मध्य हिमालय क्षेत्र में जो गैर बर्फानी नदियां हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं और सूख रही हैं, इनका पानी खत्म हो रहा है। 2023 में हम लोगों ने अपनी जो रामगढ़ नदी है उसकी एक यात्रा की, उसको देखने के लिए अध्ययन यात्रा की, जिसमें हमको ये पता चला कि रामगढ़ नदी अपने जलागम क्षेत्र से जहां से वो निकलती है वहां से जहां वो पहुंचती है दूसरी एक छोटी नदी में मिलती है शिप्रा में, वहां तक उसका अस्तित्व अब लगभग एक नाले में बदल गया है। और हम बहुत चिंतित हुए क्योंकि हमारे बचपन में आज से 40 साल 30 साल पहले तक वो नदी में जीव पानी था, उसमें मछलियां थी, उसमें और दूसरे जल के जीव थे और उसके आसपास में हमारी सब्जियां होती थी, कुछ कुछ उसके आसपास में हमारी सिंचाई भी होती थी, मछलियां भी होती थी, लेकिन अब ये नदियां पूरी तरह से सूख गई हैं। इस बात को लेकर के हम बहुत चिंतित हुए जब हमको ये समझ में आया कि रामगढ़ जैसी छोटी नदी को जीवन देने वाली 16 जलधाराएं, जो जलधाराएं इसमें गिर करके इसको नदी बनाती हैं वो जलधाराएं भी अब सूख रही हैं। तो ये जो चिंता है कि ये इसको लेकर के हमको ये भी समझ में आया कि सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, हमारे अपने आसपास की बात नहीं है, पूरे हिमालयी क्षेत्र में कई कई नदियां जिनका कोई हिसाब नहीं है, छोटी छोटी नदियां मैं नाम लेके कह सकता हूँ, वो कुंजगढ़ नदी हो, वो गगास हो, वो कोसी हो, वो हमारी भाखड़ा हो, यहाँ पर बौर हो, यहाँ पर पोखराड़ हो, भालूगाड़ हो, ये नदियां हमारी उंगलियों में गिनी हैं, ये नदियां आज के दिन में बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं, सूख गई हैं। और इनको सूखने के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक कारण नहीं है। हमारे समाज ने, हमारी सरकारों ने, हमारी व्यवस्था ने नदियों के साथ जो खराब व्यवहार किया है उसका परिणाम है ये नदियों का मर जाना, जो एक्वीफर शायद उसको कहते हैं, जो प्राकृतिक जल भरण क्षेत्र है उसमें निर्माण हुए हैं, सड़कें बनी हैं और सरकारी निर्माण हुए हैं, प्राइवेट निर्माण हुए हैं, वो सारे कंस्ट्रक्शन में ध्यान ही नहीं रखा गया कि ये नदियों के इन जगहों के नीचे से कोई छोटी सी जलधारा बहती है और वो बर्बाद कर दिए गए, फोड़ दिए गए। उसी तरह से हम देखेंगे कि इन नदियों के किनारे ऊपरी ढलान में जहां पर कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, आज के दिन में 4-5 मंजिला होटल बने हुए हैं, कॉटेज बने हुए हैं और पूरी तरह से सीमेंट का ढेर लग गया है। तो ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से नदियां खत्म हो रही हैं और ये हर नदी के साथ है, ये सिर्फ हमारे रामगढ़ या उसके साथ नहीं है। और तीसरी बात है कि हमारे क्षेत्र में नदियों के ऊपर लोगों ने अब नदियों के साथ अपना व्यवहार बदल दिया है और नदियों के साथ उनका जो रिश्ता है वो रिश्ता टूटा है।
और लोग अब पानी को वस्तु समझने लगे हैं। ये जब हम अपने गैर बर्फानी जिसमें बर्फ नहीं होती है ऐसी नदियों की जब बात कह रहे हैं, तो हम ये भी कह रहे हैं कि उच्च हिमालय क्षेत्र में जो बर्फ की जो नदियां हैं वो भी संकट में हैं। उनको बांध दिया गया, उनका रेता निकाल दिया गया, उनमें बेहिसाब खनन हुआ है और सभी नदियों में बेहिसाब खनन हुआ है, जो कि मेरे अंदाज से अगर हम ऐसे परसेंटेज में कहें तो 99% अवैध है। इस सब के बाद एक और चीज जो नदियों का मायका है, जंगल, जिस जंगल को लेकर उत्तराखंड की पहचान थी, हमारे हिमालयी क्षेत्र में चिपको एक बड़ा आंदोलन, बड़ा नाम था कि महिलाओं ने उनको बचाने के लिए खुद को जान देने के लिए तैयार हो गई थी, चिपक गई थी पेड़ों से। आज के दिन में वो जंगल पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं। इनमें मानव हस्तक्षेप बड़ा है, इनमें शोर बड़ा है और रिजर्व ये सेंचुरीज बनाने के बाद वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं बाघ देखने को, ये देखने को, तो वन्य प्राणियों के जीवन में अशांति आ रही है और जड़ी बूटियां और झाड़ियां और जो छोटे छोटे प्राकृतिक जलकुंड थे वो लोगों ने रौंद दिए हैं। ये सब मिला करके हमारे पास एक बड़ा बुरा चित्र उत्तराखंड में और हम लोग देख पा रहे हैं। और इस बुरे चित्र ने हमको इस तरफ भी ले गए हैं कि ये आने वाले 20 साल के बाद ये तस्वीर बहुत बहुत खराब होने वाली है। इसको कैसे रोका जा सकता है? तो हम लोगों ने इस बार 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फिर एक नदी संवाद यात्रा रखी, जो लोगों के बीच में बातचीत की। और दो छोटी नदियां जो पोखराड़ है नैनीताल जिले में और जो रामगढ़ है, ये दो नदियों के किनारे में हमने यात्रा की, लोगों से बातचीत की और देखने की कोशिश की कि प्राकृतिक जल स्रोतों की हालत क्या है। तो हमने देखा दो तीन चीजें बहुत हैं। सरकार नल योजना, हर घर जल हर घर नल योजना लेके आई है। सरकार को पता ही नहीं है कि जो योजना वो ला रही है बुरी तरह से फेल होने वाली है, क्योंकि नल तो पहुंचेगा, जल कहां से लाएंगे। दूसरी बात है, इन्होंने अमृत सरोवर के नाम पर पर्वतीय नदियों को, जो छोटी सी जलधाराएं होती हैं, उन नदियों को बांध दिया है सीमेंट से। और जहां जहां पर प्राकृतिक जल स्रोतों में, चाहे नौला हो, चाहे कोई धारा हो, चाहे वो चुपट्योला हो, चाहे चश्मा हो, जहां भी उसमें सीमेंट लगा है, वो सीमेंट पानी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, उस जगह को पूरा बंद कर देता है। इनके सारे के सारे विकास मॉडल पानी के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए हैं। इनके सीसी मार्ग, इनके जो पहाड़ी मकानों की जगह पर जो लेंटर वाले मकान आए हैं और इनके सारे कंस्ट्रक्शन साइट, ये सारे के सारे इन नदियों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। और इस मुद्दे पर इतना बड़ा जल संकट है कि हम पता नहीं कब का पानी पी रहे हैं। मैदानी क्षेत्र में, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तराई क्षेत्र में जल स्तर लगातार गिर रहा है और यहाँ पर चार चार फसलें ये ले रहे हैं धान की। और जब यहाँ पर तराई में देखिए, पहाड़ की संरचना ऐसी है कि तराई ऊपर से जब पहाड़ से पानी निकलता है तो वो भाबर में आके, जहाँ हल्द्वानी जैसी जगह पर भाबर में, जहां पर वो नीचे चला जाता है, ऊपर उसके बोल्डर वगैरह आ जाते हैं। और तराई क्षेत्र में बारीक मिट्टी के पास वो पानी ऊपर निकल जाता है, बहुत आसानी से पानी मिल जाता है। अब तराई में बेहिसाब फैक्ट्रियां लगी हैं और ऐसी फसलें उगा रहे हैं जिससे पूरा का पूरा पानी सूख रहा है, पूरा का पूरा पानी चूस रहे हैं। उसका परिणाम ये हुआ है कि वो साइफन की तरह से पहाड़ के स्रोतों को भी पूरा खींच के रख दे रहा है, क्योंकि जितनी पानी की आपूर्ति इनको चाहिए, इनकी ट्यूबवेल, इनके पाताल तोड़ कुएं, वो सारा का सारा पानी पहाड़ का खींच रहे हैं। ये एक पूरा ऐसा चित्र है जो लगातार एक भया, मतलब एक बुरी स्थिति को दिखाता है। इसको लेकर के हमारे समाज के, जो मुझे नहीं कहना चाहिए कि जो तमाम इसके पर्यावरण के पैरोकार हैं, जो इस समाज में राजनीति के पैरोकार हैं, जो उसके लोग हैं, और इस समाज के अंदर जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो सारे के सारे एकदम सुन्न अवस्था में है। कोई किसी की आवाज नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है और कोई ये नहीं सोच रहा है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास क्या बचेगा अगर पानी नहीं बचेगा। तो इसी चिंता को लेकर के जो हमारी छोटी सी समझ है, हम कोई विज्ञान के जानकार नहीं है, हम लोक में रहने वाले, अपने स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय व्यक्ति हैं, स्थानीय लोगों के साथ रहते हैं और हम लगातार इस बात की चिंता कर रहे थे कि ये पानी का होगा क्या भविष्य में। लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि अगर इसको संभाला नहीं गया, इसको जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ उपाय नहीं किए गए, तो ये जो बचा हुआ पानी है जो आज हमको थोड़ा बहुत मिल रहा है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए तो बचेगा ही नहीं। तो मुख्य रूप से
उसको लेकर के हम छोटे छोटे उपायों पर अपने, हमारे पास कोई एनजीओ नहीं है, कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, अपने तरीके से छोटे छोटे प्रयास करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर में क्या चल रहा है, वहाँ हिमाचल में क्या चल रहा है, नेपाल में क्या चल रहा है और उत्तराखंड में क्या चल रहा है। तो मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता है कि उत्तराखंड के बाकी माने हिमाचल के लोग कैसे सोच रहे हैं या कश्मीर के लोग कैसे सोच रहे हैं। मैं ये जरूर समझ सकता हूँ कि उत्तराखंड में मौजूदा सरकार, यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है और यहाँ के तमाम लोग जो अलग अलग संगठनों में हैं, इनको अभी भी नदियों का दर्द नहीं पता, इनके नदियों के अधिकार नहीं पता, इनको नहीं मालूम है कि एक नदी मरने का मतलब क्या होता है। ये हर चीज को पैसे से खरीद लेना चाहते हैं, हर चीज को सामान बना देना चाहते हैं और इन्होंने हमारी प्रकृति को, जल जंगल जमीन को सामान बना के रख दिया है। तो मैं ऐसे चिंता चिंता करता हूं और इसको लेकर के जो भी हमसे बन पड़ता है उसको सोशल मीडिया में, मीडिया में, जहां भी हम ला सकते हैं उसको लाते हैं। जी सर, धन्यवाद बाचे सिंह जी। ये कतई दुखी बात है कि जो इंसान और पानी के जो रिश्ता था सदियों से, खास करके हिमालय में, पूरी हिंदुस्तान में ये पानी और इंसान का रिश्ता बदल गया है। ये एक माँ और बेटे का रिश्ता था। माँ जब तक तंदुरुस्त रहेगी, बेटे को भी वो अपने दूध नहीं दे पाए। इस चीज को तो नजरअंदाज करते हुए हमारे सोकाल जो डेवलपमेंट मसैयास है, जो दिल्ली में बैठते हैं, मुंबई में बैठते हैं, बेंगलुरु में बैठते हैं, हैदराबाद में बैठते हैं, वो हर जगह तबाही मचाते हैं। खास करके आपके जो प्रयास है वो बहुत बड़ी प्रयास है और कब तक हम लोग और पानी के जो संबंध को फिर से जोड़ ना पा सकते, इसको आगे ले जाना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आपने सही बात कहा है कि सब कुछ तो एक वस्तु बन गया है। पानी 10 रुपए लीटर बॉटल है ना, हवा 1 घंटे के लिए 300 रुपए हैदराबाद, क्योंकि जहां पर प्रदूषण ज्यादा है वहां। जमीन हैदराबाद में 1 लाख 1 गज और बाकी जगह तो उसका तो पहले से ही तय रखा है, या नहीं तो आपके सर काट देंगे जमीन जी है। बारिश गिरा तो बारिश जाने के लिए व्यवस्था नहीं, अगर आग लग गई तो गर्म हवा बाहर जाने के लिए व्यवस्था है। चार पांचों जो नेचुरल रिसोर्सेस है उन्हें हम बड़ी सक्सेसफुली ए बिजनेस इंग्रेडिएंट्स बना दिए है ना, इससे कैसे मुक्ति पाए ये बहुत जरूरी है सोचना भी। दूसरी बात आपसे मैं कहता हूं कि आपके जो प्रयास है वो बहुत बड़ी है। हमारी प्रयास ये है कि जो हिमालय है वो केवल हिमालयन लोगों के लिए, आपके लिए तो वो आपके हृदय का बहुत नजदीक है, मगर ये सारे हिंदुस्तान के लिए एक कवच है हिमालय। हिमालय में जब बर्फ गिरती है तो हिंदुस्तान में हर कोने कोने में ठंडी हवा। आज के दिन पूरी हिंदुस्तान गर्मी में लिपटा हुआ है, क्या इसका असर हिमालय में नहीं गिरेगा, ये भी हमें सोचना है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चे, कि आपने कहा है कि रामगढ़ नदी जो सूख जा रहा है, सही, छोटे ना जैसे छोटे किसान का कोई खतर नहीं हिंदुस्तान, छोटे बिजनेसमैन का कोई खतर नहीं जो गांव में हम लोग ये काम कर लेके जीते हैं, ऐसे ही छोटे नदियों का भी कोई खतर नहीं है। ये राजनीति हो या ब्यूरोक्रेसी आईएएस वालों के आंखों में हो,
और दूसरी बात यह है, हिमालयास का जो पानी शुरू होता है झरनों से। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एक मतलब आदमी या नहीं तो कोई संस्था ये कहे कि अपने हिमालय के झरनों का क्या हाल है। ये तो कोई बता रहा ही नहीं। जब तक हम लोग झरने नहीं बचा सकते, छोटे नदियां भी नहीं बचा सकते। मैं ये जानना चाहता हूं कि थोड़ी टिप्पणी आप दे दीजिए कि ये झरनों का क्या हाल चाल बचिस। जी जी सर, मैं कह रहा हूं कि हिमालय के जो जहां से मैंने बात शुरू की, मैं फिर वहीं आता हूं कि यहाँ पर की जो क्या बोलते हैं उसको टोपोग्राफी, यहाँ की जो भूगोल है वो इस तरह का है कि ऊपर चोटी के पास में कुछ गहरी सी जगह होती है और उस जगह पर बरसात का पानी जमा होता है, वो धरती के अंदर जाता है और कहीं जाकर के झरना बनता है। अब क्या हुआ है सर कि अधिकतर हमारे, मैं थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहता हूं कि पहले हमारे लोग पशु चराया करते थे, जंगलों के साथ जुड़े होते थे, जंगलों के साथ महिलाएं जुड़ी होती थी, तो ये जो झरने जहां से बनते हैं वो जगहें भी वो लोग तैयार करते थे, अपने आप तैयार करते थे। तब आरक्षित वन क्षेत्र का आतंक नहीं था, तब थोड़ा बहुत वन विभाग के साथ हमारा झगड़ा रहता था आम आदमी का, लेकिन ये जो जहां से झरने बनते हैं, जो पोखर झरना बनाते थे, जो एक तरह से जो जल ढांचे थे वहां के वो झरना बनाते थे, अब क्या हुआ है कि यहाँ के झरने जो नदी में जाते हैं वो झरने लगभग लगभग समापन की ओर हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, शायद मिलेगा। हमारे नजदीक में पोखराल नदी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है भालूगाड़ वाटरफॉल। भालूगाड़ वाटरफॉल एक नेचुरल वाटरफॉल है, एक झरना है। उस झरने में इस समय एक बूंद भी पानी नहीं है, सारे टूरिस्ट वहां आते हैं और नींबू पानी पी के चले जाते हैं क्योंकि उनको पानी दिख नहीं रहा है। तो ये उस वाटरफॉल समिति को, उसको हमारे ही साथी स्थानीय लोग चलाते हैं और हम लगातार उनसे कह रहे थे कि भाई ये पानी का संकट आएगा, इस झरने को बचाने के लिए ऊपरी क्षेत्र में हमको जो पारंपरिक रूप से पहाड़ी लोग पहले करते थे कि नदियों को छोटे 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 2 फीट 3 फीट के बांध बना बनाते थे, कच्चे बांध, और उन बांधों से पानी संरक्षित होता था, भूजल भी बढ़ता था, इसको बना लो तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन लोगों का दिमाग उस तरफ नहीं है, लोगों का दिमाग इस तरफ नहीं है कि नदियों को जिंदा रखने के लिए सबसे पहली अनिवार्यता है कि इनमें पानी रहे। उसी तरह से झरनों के ऊपर जो पोखर थे हमारे, हम खाव कहते हैं लोकल में, ये जो खाव थे, ये खाव वन विभाग के अधिकतर हिस्से में कब्जा हो गए और वो भर गए क्योंकि वन विभाग उनको दोबारा बनाता नहीं है, और उसके नीचे निकलने वाले सारे स्रोत टेप कर लिए गए हैं, तो झरना कहां से बनेगा। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है सर झरनों की भी। हाँ जी बच्ची सिंह जी, मेरा दूसरे भी एक ऑब्जर्वेशन कि बहुत से लोग जो पानी के संरक्षण के जो ट्रेडिशनल, जैसे आपने कहा है कि मिट्टी से बांध बांध के रोक देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत से लोग तो रेगिस्तान के ऊपर किताबें लिख ली है, सब कुछ कर ली है, ये कुछ कर, मगर आज तक मैंने जो ट्रेडिशनल नॉलेज हिमालयास सो सदियों से सैकड़ों साल चले आ रहा है, उसका आज तक कोई भी निवेदन नहीं। क्योंकि जल शक्ति का भी मैंने देखा, यहां देखा और लद्दाख में भी, जल शक्ति बैठी है दिल्ली में, वो अपने आइडियाज लेकर के लद्दाख में लगा देती है और बाद में यहाँ हिमालय, बाकी हिमालय वो तो ठीक ना ना। लोगों को जैसे हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, लोगों से हम लोग जानकारी नहीं है ना। सक्सेसफुली सब सरकारें ने ये की, अभी मैं तो बहुत चिंताजनक के जो जानते हैं, आप जैसे लोग हैं, आपसे भी बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग थक गए हैं ना।
फिजिकली ज्यादा नहीं जा सकते, फाइनेंशियली भी, मगर इस ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है और एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने ट्रेडिशनल वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के बारे में नहीं बात करता, मगर बहुत सारे हमारे संस्कार है। वो क्या संस्कार? 5000 साल वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया इज नोन अराउंड द वर्ल्ड। मैं कल ही एक यूरोपियन ट्रैवलर्स के साथ देखा था, तो हम लोगों को उसका भी एक तरफ से कोशिश करना चाहिए कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज को हम लोग कैसे बचाएं। और आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं, हर नदी हर झरना जहां पैदा होती है वहां पे जियो बायोडाइवर्सिटी हाईएस्ट है ना। जैसे आप लोगों ने बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स मिलते हैं, दवाइयों का झाड़ मिलता है करके, उसका कहाँ तक रिकॉर्ड्स है? कितने विलेजेस में बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्ड्स है, वो भी तो मैं जानना चाहता हूँ। और मेरा कोशिश यह है कि मैं और हमारे मित्रों के साथ, मैं आप लोगों के साथ कुछ समय बिता करके इसका एक निवेदन भी आपकी तरफ से आगे ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हो बच्चित जी, और हम लोग सीरीज ऐसे ही करते रहे, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं अपने मित्र डॉक्टर शिव प्रसाद को देता हूँ। और एक बात देखिए कि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है बच्चित जी, मेरे मित्र बैठे हुए हैं केरला में जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप बैठे हुए हैं उत्तराखंड में है ना, और आप बैठे हुए, मैं बैठा हूँ हैदराबाद में, मैं बैठा हूँ हैदराबाद है ना, और हम तीनों को तीन जगह से जुड़ा है हिमालय है ना। निश्चित रूप से सर, हिमालय क्योंकि हिमालय का हवा आप लोग हम तक है ना, हिमालय मेरा कोशिश यही है कि हिमालय से निकल कर आगे बाकी देशवासियों को इस मुद्दे पे मैं कैसे जोड़ू कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं, मैं यही आप सभी लोगों के सामने ये चीज रखा। बहुत धन्यवाद। दो प्रश्न है बच्चे सिंह जी, इसका मूल कारण आप क्या देखते हैं? 22 नदी जो है सूख रहे और सूख गए, और एक बड़ी नदी भी सूखने वाली है आपके यहाँ उत्तराखंड में, इसका मूल कारण कौन है और वहां लोग क्यों इस तरह की आपत्ति आने पर भी लोग उसको मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं, और ये हमारी लोकसभा चुनाव में क्यों ये मुद्दा नहीं बन पा रहा, और तीसरी इसका असर वहां उत्तराखंड हिमालय छोड़ के भारत के ऊपर बाकी देश के ऊपर किस तरह होगा? ये तीन मुद्दे बताइए आप, तीन मुद्दे का 9 मिनट है। डॉक्टर साहब, मैं जो समझता हूं, पहला बात यह है कि सरकारों ने बुनियादी रूप से लोगों को उनके संसाधनों से दूर कर दिया है और काबिज हो गई है सरकारें, जंगलों के ऊपर पानी के ऊपर कब्जा कर दिया, इन्होंने पानी को वो वस्तु बना दिया। दूसरा चीज मैं आपको बताता हूं कि एक धारा जो हमारी छोटी सी है वो गंगा बनती है, गंगा के इस दुआबे में करीब 85 करोड़ लोग रहते हैं, 85 करोड़ लोगों का जीवन कल के दिन में संकट में आएगा और बढ़ रहा है, संकट बढ़ रहा है। तीसरा चीज जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे, मैं फिर कहता हूं कि हमारे लोगों ने, हम पहाड़ी लोगों ने कोई स्रोत खराब नहीं किया, हमने किसी नदी को नहीं मारा, इन नदियों को मारा है सरकारों ने, इन स्रोतों को बर्बाद किया सरकार की योजनाओं ने, गलत योजनाकारों ने, पूरी तरह से ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको सुबारा सर कह रहे हैं, हमारे हिमालय में नेपाल से लेके मैं जहां पर बैठा हुआ हूँ यहाँ तक हमारे जल परंपरा जल संस्कृति रही है, इन्होंने कहीं उसको अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया नहीं तो सर लोकल लोग कैसे जुड़ेंगे? इसलिए इन्होंने बहुत मूर्खतापूर्ण नीतियां हिमालय के साथ अपनाई है और यहाँ का जो नाजुक प्रजा वो है
परितंत्र है, जो इकोलॉजी है, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है और पूरा हिमालय एक खतरे में पहुंचा दिया इन्होंने, और इसका परिणाम बहुत जल्दी दिखेगा, हमको ये डर है। लेकिन तो आप इसलिए इतनी 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 बात आप कहते हैं, आपको इतनी जानकारी है, हमारी जो पुरातन संस्कृति और पुरातन जो वो पहाड़ और हिमालयस के बारे में जो भी है उसको संरक्षण क्यों आप लोग पहाड़ी लोग हिमाचल लोग नहीं कर पा रहे हैं? सरकार आके कुछ कर रही है, कारपोरेट्स आके उस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का रिश्ता तो अब फूट गया बाहर। क्यों कारपोरेट सारे वही राजनीतिक दल को पैसा देता है और वही भ्रष्टाचार, और जैसे हमारे संस्कृति या हमारी प्रकृति को खत्म कर रहे हो, लेकिन जब हमारा जीना मुश्किल हो रहा, और खासकर आप जैसे लोग वहां पहाड़ी में रहते हैं, उत्तराखंड हो या नेपाल हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू एंड कश्मीर हो, आप लोग क्यों प्रतिगठन नहीं कर रहे आप? क्योंकि आप आम लोग वहां है, मैं यहाँ रह के शो कर रहे हैं हम रोज के रोज, आपका क्या इसका प्रतिगठन क्यों नहीं हो रहा वहां लोगों से चुनाव में? एक नहीं नहीं एक सॉरी बात सर, है, नहीं नहीं डॉक्टर आर शिव निमिषाल प्रसाद या एंथोनी जेपी दमन चपण जी, जी, मैं बोल रहा हूँ मेरा सर, एक ऑब्जर्वेशन। हाँ कहिए कहिए बच्चे जी कहिए, बच्चे से मैं बाद में बोलिए। कहता हूँ, आप कहिए। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हिमाचल में भी लड़ाई जारी है, लद्दाख में लड़ाई जारी है, यहां भी लड़ाई जारी है। ये अलग बात है कि हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे पर्यावरणविद सरकारी पार्टियों से बिक गए हैं। ये हिंदी बेल्ट है सर, यहाँ सबसे बड़ी आफत यह है कि मूर्खों की तरह से 75,000 लोग केदारनाथ पहुंच गए हैं। केदारनाथ में इतना लोड आप देख रहे हैं, 12,000 की ऊंचाई में 75,000 लोग, 75,000 पीपुल वहां पहुंच गए हैं। अब आप सोचिए, वो 2013 में आपदा आई थी वहां, भयानक रूप से 40,000 लोग मर गए थे, 12,000 नेपाली वोटर मर गए थे जिनको मेंशन ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में हमारा प्रतिरोध सत्ताएं दर्ज नहीं करती हैं, हमारा प्रतिरोध लगातार जारी है। इस प्रतिरोध का परिणाम है कि लगातार हमारे साथी बढ़ रहे हैं और हम अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के साथ जुड़ करके हम बात कर रहे हो, लद्दाख के साथ बात कर रहे हो, सिक्किम के साथ बात कर रहे हैं, नेपाली साथियों के साथ मिलकर बात कर रहे हैं। हम ये लगातार कोशिश कर रहे हैं हिमालय हिमालय के जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत हो, और देश, क्योंकि मैं हमेशा एक बात मानता हूं, ये हिमालय सिर्फ यहाँ के पहाड़ियों का नहीं है, ये हिमालय उनको चाहने वालों का है, इसको प्यार करने वालों का है, जो इसको मानता है उसका हिमालय, केरल वाले का भी है, या वहां राजस्थान वाले का भी है। तो हिमालय को, हिमालय में एक बड़ा संकट है, राजनीतिक मूर्खता का संकट, और इस राजनीतिक मूर्खता ने हमारी आवाजें, जो कभी चिपको बन जाती थी, कभी नशा नहीं रोजगार बनता था, कभी दूसरी जंगलों का आंदोलन बनता था, आज के दिन में इन आवाजों को चुप करा दिया गया है, ये मैं और वो चुप कराने। और एक बात पूछना चाहता हूँ, ये धार्मिक पर्यटक जो पैसा मिल रहा है आपके आम लोगों को, क्या इसमें आपके पहाड़ी लोग उसमें बह गए क्या सोच? अगर अगर पैसे के लालच में ये पूरे सर जो चारधाम यात्रा बिल्कुल है धार्मिक, ये धार्मिक यात्रा से जो राजनीतिक दल व्यापार करना चाहती है, ये पर्यटन नहीं व्यापार करना चाहती है, उसमें आप हिमालय हिमाचल के लोग भी या पहाड़ी हिमालय के लोग भी जी, उसमें जुड़ गए क्या? मैं आपको दूसरी तरह से कहता हूं, उत्तराखंड में नवयुग निर्माण कंपनी से लेके जीवीके तक सारे के सारे यहाँ की नदियों को बांध रहे हैं, यहाँ पहाड़ों को फोड़ रहे हैं, और उसको जस्टिफाई करने के लिए ये सरकारें जबरदस्ती इन जगहों पर भीड़ खड़ी कर रही है, चाहे कैची में बाबा धाम हो, नीम करौली महाराज का जगह है, जहां हर रोज लाख हजारों लोग आ रहे हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा हो और चाहे वो दूसरे मंदिर हो। आप यहाँ पर देखेंगे मंदिरों के अंदर एक बड़ा तमाशा खड़ा हुआ है जिसमें श्रद्धालु कोई नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको सरकारों ने कहा है कि ये मतलब प्रमोट किया है ताकि वो जाकर के वहां देख सके और सरकार अपनी गलत नीतियों पर, गलत चीजों को जस्टिफाई कर सके कि हमने बहुत अच्छा किया है, और वो वही लोग हैं जो इनके तैयार किए हुए लोग हैं, जिसे अयोध्या में जमावड़ा लगाया, आज केदार में लगा रहे हैं, आज दूसरी जगह लगा रहे हैं, इनकी कोई आस्था वास्ता नहीं है। असली आस्थावान व्यक्ति हिमालय को जीता है सर, वो यहाँ की नदियों को पवित्र मानता है, कभी गंदा नहीं करेगा, यहाँ के मंदिरों पर उसको अंदर से महसूस होती है उसकी पीड़ा। ये तो जागेश्वर में 3,000 पेड़ काट रहे थे 1.5 किलोमीटर के लिए, देवदार के 500 साल पुराने पेड़, वो जरा हम लोग इकट्ठा हो गए तो वो कटने से रुक गए, लेकिन ये तमाम इन जगह, अब जागेश्वर जैसे धाम की श्रद्धा का अर्थ ही है कि वहां पर देवदारू का एक खूबसूरत जंगल है,
जिस दिन वो जंगल नहीं रहेगा, जागेश्वर की महत्ता खत्म हो जाएगी। पत्थरों को कोई देवता नहीं कहता है, उसके साथ नदी, जंगल और पूरा वातावरण जो बनता है वो आध्यात्मिक अनुभूति देता है। इन्होंने उसको खत्म किया है। और ये निश्चित रूप से मैं साफ कह सकता हूं कि ये जो भीड़ है इसके पीछे सरकारों का, भीड़ का लालच है, और उसके पीछे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी दुकानदारी वहां चलती है। लेकिन इसमें फिर देखेंगे कि मैं यहाँ पास में बाबा नीम करोली महाराज के नजदीक रहने वाला हूँ, मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है, मैं वहां कभी नहीं गया, मेरे गांव से लोग कभी आपके नहीं साथ गए। और आपके साथ ये पूरे और एक बार एक सीरीज करेंगे। सुब्बाराव जी 2 मिनट है, आप खत्म फिनिशिंग फिनिशिंग का जो है आपका स्टेटमेंट जो है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, चिपको जैसा मूवमेंट बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि वहां पे कुछ लोग जाकर के अपने किताबें लिख लिए हैं, अपने पब्लिसिटी कर लिए, अच्छा हो, ताकि उस बेसिक मुद्दा तो बाहर है। मगर अब क्या हो रहा है, 10-15 साल से हर जगह मुद्दे खड़े हो, हर छोटे गांव में मुद्दे खड़े। मगर क्या हुआ, जैसे हिमालय का वनस्पति देश का वनस्पति को बांट दिया गया, पानी तुम बेच लो, जंगल तुम बेच लो, जमीन तुम बेच लो, हाँ खाली जगह तुम बेच लो, ऐसा करके, तो इसमें क्या हो गया, एक आम आदमी का आवाज को दबा। आखिरी मिनट सर। सो ओके, व्हाट आई से इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू वी कंसोलिडेट दिस, एंड वी शुड आस्क बच्चू जी कि क्यूमुलेटिव इंपैक्ट ऑफ दीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑन हिमालयस। राइट, सो दिस इज फॉर थैंक यू। वेदर डेवलपमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन or it should be a real development which should be nature friendly and which should invite all beliefs and faiths. Otherwise, if Himalayas go this way, there will not be anything left right for even we say Ganga ho ya sab kuch ye log khatam kar rahe ho, upar se they are trying to destroy everything so that our identity